अब हम अगले स्पीकर को बुलाएंगे। अगले स्पीकर को बुलाने के लिए मैं संजय सिंघल जी को एक बार जोरदार तालियों से संजय सिंघल जी को आगे बुलाएं। संजय सिंघल जी। तो दोस्तों अभी तक के दो सेशन कैसे रहे? तो दोस्तों हमारे सारे स्पीकर बड़े धमाल हैं अभी तक। अभी हमने बुलाया तो नॉलेज की बात को जब हमने की कि नॉलेज कॉमन है, तो आपको तीसरे सेशन में भी नॉलेज कॉमन ही मिलेगी आपको। तो ऐसे स्पीकर को बुलाने के लिए, वैसे तो बहुत भारी भरकम सा नाम मुझे दे दिया हर समय उनके लिए, सिर्फ अगर मैं एक शब्द भी दे दूं उसका नाम है दोस्त तो भी काफ़ी है। लेकिन फिर भी उस दोस्त को एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा कि उस दोस्त की हमारे की खूबियाँ क्या क्या हैं। 1993 में जिसने अपना करियर स्टार्ट किया और सिर्फ 750 रुपए की जॉब पर अकाउंटेंट के रूप में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में उन्होंने काम शुरू किया 750 रुपए से, राइट? और काम करते रहे, काम करते 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 जब 2005 में उन्होंने रिज़ाइन किया वहाँ से, तो उनकी सैलरी, उस समय वो फाइनेंस हेड थे और सैलरी जो थी वो थी 30,000 रुपीज़ पर मंथ। सेम कंपनी में 750 रुपए से स्टार्ट करके 30,000 रुपए के पैकेज पे वो 30,000 रुपए मंथली सैलरी पर वो पहुँचे। तो इसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, एक मीडिया हाउस था जिसमें वो जॉब कर रहे थे, उसी के साथ साथ एक दिन उनके मन में आया कि इसके साथ साथ कुछ अच्छा काम किया जाए। उन्होंने 1997 में इंश्योरेंस की एजेंसी पार्ट टाइम ले ली। इंश्योरेंस में सिर्फ जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस के साथ उन्होंने अपने करियर की शुरुआत करी। और उस 1997 में एजेंसी लेने के बाद उनको लगा अब इसमें कुछ और एडिशन किया जाए कि कम एक सिर्फ जनरल को लाइफ में भी लाइफ भी साथ लेनी चाहिए। तो किसी ने गाइड किया, उन्होंने 1999 में एक LIC की एजेंसी भी ले ली और दोनों कंपनी के साथ वो काम करते रहे और काफ़ी एफर्ट्स करी, लगन के साथ काम किया। लेकिन उनकी लाइफ में कुछ चेंज आना शुरू हुआ, कुछ ट्रेनिंग और एजुकेशन, फिर से नॉलेज आ गई। ट्रेनिंग और एजुकेशन के जब वो टच में आए तो 2005 में के बाद तो जॉब रिज़ाइन कर दी उन्होंने 2005 में, पार्ट टाइम से फुल टाइम हो गए। उसके बाद 2012 में उन्होंने पहली MDRT अपनी कंप्लीट करी और बहुत एनर्जी के साथ उन्होंने कंप्लीट करी। तो अपने आप ने भी जिसने कंप्लीट कर लिया, एक बार फिर से ताली बजाएं अपने लिए। इसी के साथ साथ जब वो इस इंडस्ट्री में चलते चले गए तो पहले 2010 में उन्होंने LIC में CM क्लब क्वालिफाई किया। आफ्टर दैट इसी एनर्जी के साथ वो बढ़ते चले गए। 2018 में उन्होंने लाइफ इंश्योरेंस में अपना गैलेक्सी क्लब कंप्लीट किया और 2019 आते आते कॉरपोरेट क्लब मेंबर हो गए वो। दिस इज अ टॉप क्लब इन LIC, आप सभी जानते होंगे इस चीज़ को। 2019 में कॉरपोरेट क्लब क्वालिफाई कर गए हैं और उन्होंने अब उनका मिशन और बड़ा है। सिर्फ यही नहीं, उनका जो मिशन है, जो उनका टॉपिक है, जनरल इंश्योरेंस में पिछले कई साल से ओरिएंटल इंश्योरेंस में वो CMD क्लब मेंबर है, जो कि टॉप क्लब मेंबर है, जिसमें आपकी मीटिंग डायरेक्ट चेयरमैन के साथ होती है। तो इस लेवल पे कितने लोग काम कर रहे हैं, तो वो सारे की सारी खूबियां करी। सिर्फ यही नहीं, टाटा के साथ में भी एसोसिएशन किया, टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस के साथ उन्होंने वो किया। उसका सबसे टॉप क्लब होता है प्लैटिनम क्लब, तो प्लैटिनम क्लब भी उस शख्सियत ने क्वालिफाई किया, प्लैटिनम क्लब। और कम से कम इतना बड़ा हुजूम उन्होंने क्रिएट कर दिया, आज सिर्फ जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस, जिसके ऊपर बहुत अच्छी कमीशन 15% का इंसेंटिव आता है, और वो जनरल इंश्योरेंस का बिजनेस 5 करोड़ रुपए का आज उनका एनुअल पोर्टफोलियो कम से कम सिर्फ जनरल इंश्योरेंस का है। तो एक बार ज़ोरदार ताली हम उनके लिए फिर से बजाएंगे। और अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा, दो शब्द उनके लिए कहता हुआ मैं उनके लिए बुलाना चाहूँगा। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुदगर्ज ना बन जाना। किसी को खुश करने का मौका मिले तो खुदगर्ज ना बन जाना। बड़े नसीब वाले होते हैं जो दूसरों के चेहरे पे मुस्कान देते हैं। ऐसे ओ नन अदर देन अतुल जैन। जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे अतुल जैन जी का। जब किसी स्पीकर से कुछ अच्छा लेना होता है ना, तो तालियां बजाते रहना चाहिए। मेरा नाम अतुल जैन, ब्रांच 11D LIC की, और विकास अधिकारी श्री प्रदीप गुप्ता जी।
और मेरे ओरिएंटल में जहाँ से मैंने अपना कैरियर शुरू किया था वहाँ पे मेरे जो मेरे मेंटर हैं मिस्टर अजय मल्होत्रा, मैं उनके लिए एक जोरदार तालियां चाहता हूँ। दोस्तों 750 रुपये के कैरियर से शुरू होकर के आज थोड़ा बहुत काम शुरू किया है, और सिर्फ एक ही मेरा मिशन है कि जो भी हम करें दिल से करें। आज दिल का दिन है। पहले स्पीकर राजेश राठौर जी ने भी बहुत अच्छी स्पीच दी, और उसके बाद अमन सर ने दिल के ऊपर जब अपने पेरेंट्स की बात ले रहे थे तो मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, बहुत अच्छा फील हो रहा था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच कि आज इस हिंदुस्तान में लोग अपने फायदे के लिए सारे रिलेशंस भूलते जा रहे हैं। वहाँ पे सर ने अपना एक ब्राइट कैरियर, मतलब एब्सोल्युटली इतना बड़ा कैरियर को एक स्टेक पे रख करके वो सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए आए, ऐसे इंसान के लिए बहुत ज़ोरदार तालियां की। मेरा टॉपिक हेल्थ इंश्योरेंस का है, तो मैं हेल्थ इंश्योरेंस से अपना शुरुआत करता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस की जो बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस धीरे धीरे एक इंडस्ट्री के अंदर डेवलप हो रहा है और तेज़ी से, मतलब थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। अभी यदि हम मार्केट में बात करें तो लास्ट कुछ सालों की बात करें तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो ग्रोथ है वो इन कंपैरेटिव लाइफ इंश्योरेंस से थोड़ी सी ज़्यादा है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस में जो माना जाता है कि ये एक पुश बिजनेस है, सामने से आता है। मतलब जहाँ हमें लाइफ इंश्योरेंस में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है, वहाँ पे आपको लाइफ हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर आपको सामने से रिक्वायरमेंट्स आती हैं। और अब जब हमने 97 में एजेंसी ली थी और जब हम हेल्थ इंश्योरेंस या इंश्योरेंस का काम करना शुरू किया था, उस टाइम पे बस सिर्फ चारों PSUs ही काम कर रही थी। लेकिन अब इस टाइम पे आज चारों PSUs पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनीज़ के अलावा भी बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर काम कर रही हैं और जनरल इंश्योरेंस के अंदर काम भी है। अब पिछले दिनों देखा गया है कि काफ़ी सारी ऐसी कंपनीज आई हैं जो सिर्फ स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस करती हैं। तो अभी जो, क्योंकि हम लोग सब इंश्योरेंस प्रोफेशनल हैं, FPRT हमने बनाया इसी पर्पज़ से था कि सिर्फ लोग एक चीज़ पे फोकस ना करें, आप जिस क्लाइंट के पास जाएं उसका सारा पोर्टफोलियो आपके पास होना चाहिए। तो हेल्थ इंश्योरेंस उसके अंदर एक मेजर पोर्शन है। यदि आप किसी की हेल्थ इंश्योरेंस में, जब किसी का आप लाइफ इंश्योरेंस कर रहे हैं और उसका आप एक हेल्थ वाला पोर्टफोलियो भी लेंगे तो आपके पास आपकी क्लाइंट से कनेक्टिविटी थोड़ी सी बढ़ेगी। और दूसरी बात यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जैसे जैसे अभी मैंने जैसे बताया कि पहले चारों PSUs होती थी, फिर प्राइवेट कंपनीज आनी शुरू हुई, उसके बाद अभी कुछ सालों में स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आनी शुरू हुई। कितने लोग ऐसे हैं जो हेल्थ इंश्योरेंस का काम करते हैं यहाँ पे? भीड़ काफ़ी है। और जो एक बार हाथ नीचे, जो लोग नहीं करते वो हाथ खड़ा करिए। मेरा वादा है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से कि आप लोग, जो लोग हेल्थ इंश्योरेंस नहीं करते, आज मेरी स्पीच के बाद आपको लगेगा कि ये करने जैसा है। ठीक है, ये मेरा वादा है। और यदि मैं इस अपने वादे पे खड़ा रहा तो मुझे खुशी भी रहेगी, और आप लोगों को मैं इतना प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस में जो लोग भी काम करेंगे उनके लिए आगे स्कोप थोड़े से बढ़ेंगे, घटने के नहीं। तो स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज जब आई तो उसमें जैसे PSUs काम करती थी तो एक ही पैटर्न पे काम करती थी, 1% ऑफ द सम इंश्योर्ड आपको रूम रेंट मिलेगा, 2% आपको ICU का मिलेगा, इसमें ये मिलेगा उसमें वो मिलेगा। तो जब बहुत सारी कंपनीज नई नई आई तो उन्होंने बहुत सारी नई चीज़ें लेके आई साथ में कि आपका रूम रेंट की कोई गैपिंग नहीं है जी, आप जितना भी आप अपने जितना आपका सम इंश्योर्ड है आपका रूम रेंट से कोई लेना देना नहीं है, ICU में कोई चार्जेस आपका वो नहीं है, आप ICU में जितना भी आपका लगेगा वो आपको मिलेगा, चाहे बेशक आपकी सम इंश्योर्ड 5 लाख का है या 50 लाख का है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद कुछ चीज़ें ऐसी उन्होंने इंट्रोड्यूस करी कि आपका ऑर्गेन डोनर कवर करने शुरू करे, एयर एम्बुलेंस ना केवल खाली हिंदुस्तान में एयर एम्बुलेंस को कवर करा बल्कि हिंदुस्तान से बाहर यदि आप जा रहे हैं तो भी आपको एयर एम्बुलेंस मिलेगी। तो बहुत सारे नए नए फीचर्स कंपनियां लेके आई और उन फीचर्स के साथ लोगों के पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आई कि भाई लोग जो क्लाइंट्स हैं हमारे उनके पास भी एक ऑप्शन आई कि भाई हम बेस्ट टू बेस्ट हमें मार्केट के अंदर क्या मिल सकता है, क्योंकि ये इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में ही ग्रो करनी शुरू हुई है तो उसके फीचर्स अभी बढ़ने शुरू हुए हैं। और जैसे जैसे ये मार्केट ग्रो करेगी इसके हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो अभी आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी नई चीज़ें भी आने शुरू हो रही हैं,
उसमें अभी एक चीज़ अभी और कुछ इंश्योरेंस कंपनी ने शुरू करी है, जो पहले 30 दिन और 60 दिन, 30 दिन प्री हॉस्पिटलेशन हॉस्पिटलेशन से पहले 30 दिन मिलते थे और 60 दिन बाद के मिलते थे, अब वो 60 और 90 दिन हो रहे हैं। तो और पहले ऑर्गेन डोनर का क्लेम नहीं मिलता था, अब ऑर्गेन डोनर भी कवर करने लगे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे करके इंडस्ट्री के अंदर चेंज हो रहे हैं, और जो प्राइवेट जो ये कंपनीज हैं वो नए नए फीचर्स के साथ ले करके आ रही हैं। हेल्थ इंश्योरेंस, मेरा अपना एक्सपीरियंस मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जब मैंने अपना काम शुरू किया तो हेल्थ इंश्योरेंस मेरा उस टाइम पे मेन फोटो नहीं था। मैंने अपने एक पार्ट टाइम एजेंसीज के काम शुरू किया, लेकिन आज जब मैं अपना इंश्योरेंस का पोर्टफोलियो देखता हूँ तो मैंने सिर्फ सर्विसेज के बेसिस पे अपने पोर्टफोलियो को मैनेज किया है। जब भी हमें मौका मिला है, जो क्लाइंट हमारे साथ एसोसिएटेड है उसको ये पता है कि उस वो ही इज़ एन सेफ हैंड, और ये उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है बैकएंड पे काम करना। हमने अपने बैकएंड पे बहुत काम किया है, हमने पिछले कई सालों से, जब मैं अकेला बहुत मेहनत करता था, आज टीम है तो टीम के साथ हम मेहनत कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि जो हम इस इंडस्ट्री के अंदर कर रहे हैं वो अभी सिर्फ सर्विस के बेसिस पे आज हम अपने सारे चीज़ों को संभाल पा रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के बारे में एक दो वर्ड्स बोलना चाहता हूँ। मैं इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस का कमिटमेंट मेंबर हूँ और काफ़ी कुछ मुझे वहीं से ही मिला है। तो जो भी आज हम इंश्योरेंस के अंदर, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर, बेसिकली मेरा हमेशा बोलना है कि जो लोग लाइफ इंश्योरेंस में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो उनको एटलीस्ट एक बार इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस के क्लासेस जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके कोर्सेस के बाद लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपको, जो सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस का काम करते हैं उसको इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की क्लासेस जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, मेरा जो काम करने का जो प्रोसेस है वो सारा सर्विस बेसिकली सर्विसेज बेसिस पे ही है। जो क्लाइंट मेरे साथ जुड़ते हैं वो उन लोगों को मैं उतनी कोशिश करता हूँ कि उनको उस तरीके की सर्विस दूँ कि जिससे कि मैं क्लाइंट कहीं इधर से उधर वेरिएट ना हो सके। तो मेरे पास कुछ 14-15 लोगों की टीम है, तो उन लोगों के साथ मैंने अपने 3 डिपार्टमेंट्स बना रखे हैं अपने, और एक पोर्शन मेरे पास हेल्थ डिपार्टमेंट है जो पूरा हेल्थ इंश्योरेंस की टीम देखती है, दूसरा पोर्शन मेरे पास है जो मोटर इंश्योरेंस देखती है, तीसरा जो पोर्शन है वो लाइफ इंश्योरेंस का है। अतुल जी, अगर हम इस पे थोड़ा सा टेक्निकल बात करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा दोस्तों, क्योंकि सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस करते हैं। तो मैं चाह रहा था कि आपसे कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस भी हम साथ साथ रखें, अगर आप उसे देंगे तो हम सबकी लाइफ में जब हम हेल्थ इंश्योरेंस देने निकलते हैं, सेल करने निकलते हैं, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो अगर आपको वो ना लगे तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस अगर हम साथ में अगर डिस्कस करें तो कैसा लगेगा दोस्तों? तो हम सभी के क्वेश्चन को एक बार साथ साथ रिजॉल्व करेंगे, सभी के क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन मैं करूँगा, कुछ आप करेंगे, तो शायद हम उसको ज़्यादा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे। अतुल जी की ये खूबी है कि ये बड़ी सादगी के साथ अपना काम करते हैं, यंग, डायनेमिक, इनका ऑफिस भी मेरे को विजिट करने का मौका मिला तो आई एम हाईली इम्प्रेस्ड अतुल जी से, हाईली इम्प्रेस्ड। यारों के यार हैं ये, गेस्चर कैसे किया जाता है ये जानते हैं अतुल जी। तो अतुल जी, सिर्फ ये पूछूंगा, क्योंकि क्या होता है कि कई बार हमने सुना है कि हलवाई अपनी मिठाई नहीं खाता, और इसी तरीके से हम इंश्योरेंस वालों में भी हम औरों को इंश्योरेंस समझा के आते हैं, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़। तो क्या आपको लगता है, मतलब क्या आपने खुद भी इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है क्या, और कितने का लिया हुआ है? मेरे पास है हेल्थ इंश्योरेंस, पिछले 20 सालों से मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस है, और वो मैं धीरे धीरे उसको जैसे जैसे टाइम मिलता है, जैसे जैसे मौका मिलता है उसको बढ़ाता जाता हूँ। मेरा अभी एट प्रेजेंट मेरा 20 लाख रुपये का सम इंश्योर्ड है, 20 लाख रुपये की पॉलिसी है मेरे पास। तो सर आप जोरदार तालियां। दोस्तों, हम में से 20 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी जिन जिन के पास है एक बार हाथ खड़ा करें, बड़े लिमिटेड ही लोग हैं अगर हम देखें तो 20 लाख। सर आपने 20 लाख, नॉर्मली जो इंश्योरेंस की पॉलिसी होती है लोगों के पास 2 लाख 3 लाख 5 लाख तक की पॉलिसी, 5 लाख के बाद उन्हें लगता है कि बस अब तो कोई प्रॉब्लम आने नहीं वाली, आपने अपनी 20 लाख रुपए की पॉलिसी क्यों ली? बेसिकली क्या था कि पॉलिसी मैंने मेरी भी पॉलिसी जब मैं 20 साल पहले पॉलिसी शुरू करी, धीरे धीरे थोड़े थोड़े बढ़ा रहा था, लेकिन ये 2010-11 की बात है कि मेरे एक क्लाइंट की वाइफ को बुखार हुआ, सिर्फ सिंपल बुखार हुआ, और उसको मैक्स बालाजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, और जब वो एडमिट हुई उसके 3 या 4 दिन के बाद उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि उसको ICU में रखा गया, और
25 दिन वो आईसीयू में रही लेडी, ये 2010-11 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। तो 25 दिन जब आईसीयू में रही, तो आईसीयू से निकलने के बाद जब वो डिस्चार्ज हुई तो उसका बिल कोई 8.5 लाख रुपए का था, और सिंपल बुखार था, सिर्फ बुखार की वजह से एडमिट हुई थी। और उसके बाद वो उसमें कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती गई। इवन एक टाइम ऐसा आया कि डॉक्टर ने कहा कि इनको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा, बट वो समहाउ चीज़ें मैनेज होगी। और उसके बाद वो 8.5 लाख रुपये का बिल 2010-11 में कोई आया। तो जब वो 8.5 लाख रुपये का बिल जो वो, क्योंकि पॉलिसी इस क्लाइंट की 10 लाख रुपये की थी, तो उसके मैनेज हो गया इजीली। तो उस दिन जब डेफिनेटली मुझे क्लिक करा, ये तो सिंपल बुखार था, तो ये किसी के साथ भी आ सकता है, ये कोई मतलब ये नहीं कि क्लाइंट है इसके साथ है। तो उस दिन मेरी सोच अपने लिए भी ठीक हुई और अपने क्लाइंट्स के लिए भी ठीक हुई। तो उस दिन मैंने डिसाइड करा कि मुझे अपना हेल्थ इंश्योरेंस थोड़ा सा बढ़ाना है, और अच्छे से बढ़ाना है, और जैसे जितनी जल्दी हो सकता है मैं बढ़ाऊं। तो उसके बाद से मैंने अपना इंश्योरेंस का पॉलिसी जितना जैसे जैसे कंपनीज अलाउ करती गई मुझे बढ़ाने के लिए, मैं अपने इंश्योरेंस को बढ़ाता गया। और अब एट प्रेजेंट 20 लाख है, और आगे भी जब जैसे मौका मिलेगा उसको फिर और बढ़ाएंगे। थैंक यू वेरी मच सर। मेरे पास भी सर इतने का ही इंश्योरेंस है, और क्योंकि हमें भी खुद फील है कि अभी 3 साल पहले मेरे फादर की डेथ हुई, तो नॉर्मल स्पाइन में प्रॉब्लम हुई थी, थोड़ी सी स्पाइन में हल्का सा इन्फेक्शन आया था। एक दिन पहले तक बिल्कुल ठीक थे, और उनका जो जब उनकी डेथ हुई तो 35 लाख रुपीज़ का बिल हमने हार्ड कैश पेमेंट किया सर। तो 35 लाख रुपये, तो मैं समझता हूँ कि 20-25 लाख रुपये का इंश्योरेंस होना चाहिए। सर जब आपने अपना ये करियर शुरू किया था, इस इंडस्ट्री में आए थे, तो आपको क्या लगता था कि क्या आप जिस मुकाम पर आज हैं या इससे आगे क्या आप यहाँ पर पहुँच पाएंगे? उसी मुकाम उसी विजन के साथ स्टार्ट किया था, या समय के साथ साथ ये मुकाम आपका ये चीज़ें बननी शुरू हुई? इसमें 2005 या 2006 तक तो मैं जनरल इंश्योरेंस की एजेंसी जरूर ली थी, बट मैं काम नहीं करता था। जैसे आपने मेरे इन्फो में बताया था कि मैं आई वॉज अ फाइनेंस हेड इन मल्टीनेशनल कंपनी प्रिंट ऑफ मीडिया हाउस में, मैं फाइनेंस हेड था। तो वहाँ पे जो मेरी जॉब थी वो ऐसी थी कि भाई मेरे पास टाइम ही नहीं होता था वहाँ पे। और ये जो जनरल इंश्योरेंस की जो कंपनी है, जनरल इंश्योरेंस का जो काम है ना, वो पूरा डेडिकेशन का काम है। आपका क्लाइंट आपको जब हॉस्पिटल से फ़ोन कर रहा है, आप उसका फ़ोन नहीं उठाओगे ना, तो वो आपसे ज़िंदगी में कभी बात भी नहीं करेगा। यदि किसी की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और आपने उस टाइम पर उसका फ़ोन नहीं लिया ना, तो वो आपसे दोबारा बात नहीं करेगा। तो ये बात मुझे बहुत अच्छे से समझ थी कि भाई मैं या तो मुझे नौकरी करनी है या इंश्योरेंस का काम करना है। तो क्योंकि मैं एक वाइट कॉलर जॉब कर रहा था, और वो मुझे लग रहा था कि ये जॉब थोड़ी सी बेटर है, तो मैं 2005 या 2006 तक मैं कुछ भी जनरल इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा काम नहीं करता था, सिर्फ इसी वजह से कि भाई किसी टाइम पे भी क्लाइंट का किसी का फ़ोन आ गया, मेरे पास जिस कंपनी में मैं काम करता था वो कैश क्लंच कंपनी थी, मेरे पास सुबह 9:20 से लेकर रात को कोई टाइम नहीं था कितने बजे मैं निकलता था। उस टाइम तक क्राइसिस ही रहती थी कंपनी के अंदर, तो हमेशा वो मैं उस कंपनी के ना फंड्स मैनेज करने के अंदर ही पूरे दिन लगा रहता था। तो मुझे लगा कि भाई जब तक मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं करूं, तो क्लाइंट को कम से कम इनकंफर्टेबल ना होने दूं, तो मैं वो काम ही नहीं करता था जनरल इंश्योरेंस का। लेकिन जब मैंने 2005 में अपनी नौकरी छोड़ी, और ये चांस की बात होती है, या इसमें मतलब लक मान लीजिए, पता नहीं क्या, आई डोंट नो कि मैं इसको क्या वर्ड यूज़ करूँ, कि मेरे 2006 की बात है, अगस्त 2006 की बात है, कि मेरे ब्रदर, एल्डर ब्रदर है मेरे, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनके एक कज़न ब्रदर इन लॉ का रोड एक्सीडेंट हुआ। जयपुर से एक गाड़ी आ रही थी, और उस गाड़ी का मैं एक्सीडेंट हुआ, और वो इमीडिएटली ऑन द स्पॉट एक्सपायर कर गए। और उसके बाद 3-4 जने उस फैमिली, उस गाड़ी के, सेंथ्रो गाड़ी थी, उस गाड़ी के अंदर 3-4 लोग और थे, वो मल्टीपल डैमेजेस हुए उनके पास, उनको बहुत ज़बरदस्त डैमेजेस हुए, मतलब फ्रैक्चर्स हुए, और कुछ लोग कोमा में चले गए, मतलब इस तरीके से सिनेरियो हुआ, बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट था। तो वो जब दिल्ली उनको मैक्स सुपर स्पेशलिटी में लेके आया गया, तो उन्होंने, उनके एजेंट ने, जिन उनके पास दो पॉलिसी, मतलब उसमें दो फैमिली थी उस कार के अंदर, एक फैमिली की पॉलिसी नेशनल इंश्योरेंस की थी, और दूसरी की फैमिली की पॉलिसी ओरिएंटल इंश्योरेंस से थी। तो दोनों के एजेंट्स ने फ़ोन ही नहीं उठाया उनका। तो अब फ़ोन नहीं उठाया, तो जबकि मैं इंश्योरेंस का काम 97-98 से थोड़ा बहुत करता ही था, और मेरे ब्रदर की शादी 93 में हुई थी, वो लोग, वो मेरे भाई ब्रदर के इन लॉज को मालूम था कि भाई मैं इंश्योरेंस का काम करता हूँ, लेकिन वो मुझे काम मिलता नहीं था वहाँ से। लेकिन जब वो ये सब कुछ हुआ, तो मेरे ब्रदर ने मेरे को फ़ोन करके कहा, यार अतुल ऐसे ऐसे ये दोनों एजेंट्स काम नहीं कर रहे, और यार ये यहाँ पे, क्योंकि पैसा बहुत इन्वॉल्व होना है, कि तीनों चारों जने जो हॉस्पिटल में, सारे के सारे आईसीयू में हैं, और ये भी नहीं पता कितने दिन तक रहना है, तो यहाँ पे पैसे की बहुत सख्त जरूरत पड़ने वाली है, तो यार ये कैशलेस का प्रोसेस कराओ, कैसे कराना है ये देखो कैसे करना है। तो उस टाइम पे जब मैंने वो दोनों की, क्योंकि अब तो आजकल तो व्हाट्सएप, ये सब चीज़ें, बहुत सारी टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट हो गई है हर तरीके से,
उस टाइम पे ये सब चीज़ें नहीं थी। मैंने भैया को कहा भाई शाम को आप पॉलिसी ले आना, मैं देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। भैया रात को पॉलिसी लेके आए, रात को मैंने 11 12 1 बजे तक रात को बैठ करके एक एक नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का टीपीए था जैनिस टीपीए और ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का टीपीए था रक्षा टीपीए। मैंने दोनों टीपीएस में बहुत बड़ी अच्छी सी मतलब इमोशनल मेल डाली कि उसमें सारा मेंशन करे, इमोशनल मतलब बेसिकली जो फैक्ट्स थे मैंने सारे वो मेंशन करे कि भाई ऐसे ऐसे रोड एक्सीडेंट हो गया और इस तरीके से हम लोग परेशान हैं, आप कैशलेस प्रोवाइड करिए। तो अगले दिन कुछ नहीं हुआ उसके अंदर, कोई भी कुछ चीज़ नहीं हुआ। नेक्स्ट डे मैं दोनों इंश्योरेंस के टीपीएस के पास चला गया, टीपीए कंपनीज में चला गया। तो टीपीए में जाकर के दोनों के मैं हेड से मिला और उनको मैंने जाके अपनी ये जो मजबूरी समझाई तो दोनों को यहाँ पे कैशलेस मिल गया। जितने जितने पॉलिसी के सम इंश्योर थे पूरे पूरे, पहले 2006-07 में ना इंडिविजुअल पॉलिसीज होती थी, फ्लोटर पॉलिसीज नहीं होती थी। तो जितने जितने इंडिविजुअल अमाउंट के थे पूरे पूरे उन्होंने मेरे सामने फैक्स किए। वहाँ पे पहले ईमेल का भी चक्कर ज़्यादा नहीं होता था, फैक्स से जाता था। तो मेरे सामने बैठ करके मैंने उनसे जब डिस्कशन करा और उनको बताया ये प्रॉब्लम है, तो उनके पास जब वो पैसे कैशलेस हो गया तो ब्रदर के इन लॉज को लगा कि ये एक आदमी ऐसा है जिसने मतलब जिसके पास काम नहीं था तब भी इसने हमारी हेल्प कर दी, और जो लोगों ने इंश्योरेंस का पॉलिसी पिछले इतने सालों से कमीशन खा रहे थे उन्होंने फ़ोन उठाने बंद कर दिए। तो मैं एक यहाँ पे एक मैसेज भी देना चाहता हूँ, एक खराब एजेंट ने एक अच्छा एजेंट बना दिया, क्योंकि वहाँ पे उनको यदि वो फैसिलिटी मिली होती तो शायद हम इतनी एफर्ट्स नहीं करते। इतने एफर्ट्स करने के बाद उसके बाद क्या हुआ, उसी साल में मुझे 30 से 35 पॉलिसीज उस फैमिली से मिली, 30 से 35 पॉलिसीज। और आज मेरे ब्रदर के इन लॉज में शायद ही कोई ऐसा रिलेटिव होगा जो मेरा क्लाइंट नहीं है, और वो सिर्फ LIC का नहीं, पूरा पोर्टफोलियो मेरे पास उनका है। गाड़ियां मेरे पास उनकी है, लाइफ इंश्योरेंस मेरे पास उनकी है, मेडिकल एम उनकी है, क्रिटिकल इलनेस मेरे पास उनकी है, पर्सनल एक्सीडेंटल उनकी है, सारी प्लान्स मैं उनके करता हूँ। सर जिस हिसाब से आपका पोर्टफोलियो है मुझे लगता है आपके पास 1000 से ज़्यादा पॉलिसीज हेल्थ इंश्योरेंस की होगी, जो मैंने देखा भी, ठीक है। तो इतनी सारी पॉलिसीज को, क्योंकि इतनी सारी पॉलिसीज की सर्विसेज आप कैसे दे पाते हैं, और उसके साथ आपने हमने आप हमारे साथ FPRT में भी रहते हैं और बहुत सारी चीज़ों में रहते हैं, तो 1000 से ऊपर पॉलिसीज जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस की हो तो आप इतना टाइम कैसे निकालते हैं और सर्विस कैसे दे पाते हैं उनको? मैंने शायद अभी इशू में भी बताया था, मेरे पास 3 डिपार्टमेंट्स मैंने बना रखे हैं अपने, हेल्थ का अलग डिपार्टमेंट है, लाइफ का अलग है, रिमोटर का अलग है। हर तीनों डिपार्टमेंट्स के एक एक हेड है, और वो लोग तीनों के तीनों अपने अपने पोर्टफोलियो पे काम करते हैं। मुझे रूटीन के कोई सा भी काम, रूटीन के काम को बोलते हैं रिन्यूअल्स के चेक उठाना, रिन्यूअल्स पे कॉल करना, उसको ब्रांचेस में भिजवाना, इनमें से कोई सा काम मैं नहीं करता। मेरे ऑफिस में मेरे तीनों मैनेजर्स मेरे पास महीने, जैसे आज 15 तारीख को मेरे पास जून महीने की लिस्ट मेरे टेबल पे आ जाएगी, लाइफ इंश्योरेंस की भी, मेडिक्लेम की भी और ऑटो इंश्योरेंस की भी, वो आ जाएगी। और उसके बाद मैंने अपने यहाँ हमारा सिस्टम है 15 दिन पहले चेक्स उठाते हैं, तो ये इंस्ट्रक्शंस मैंने तीनों मैनेजर्स को दे रखा है, जो चेक 15 दिन पहले नहीं आता वो सिर्फ मंडे को मेरे से डिस्कस करना। मैं अपना मेरा 95 से 98% टाइम ना सिर्फ मेरी टीम, मतलब मैं इन चीज़ों में कोई नहीं, मेरे से 2 से 3% जगह पे मैं अपने आपको इन्वॉल्व, रूटीन के कामों में सिर्फ 2 से 3% पे मैं अपने को इन्वॉल्व करता हूँ, बाकी सारा काम मेरा टीम मैनेज करती है, पूरी टीम मैनेज करती है। तो इस बिजनेस में जैसे आए हैं तो इस बिजनेस के पॉजिटिव भी हैं या कुछ चैलेंजेस भी हैं सर इसमें? नहीं देखो, कोई भी इस टाइम मतलब कोई भी बिजनेस ना ऐसा नहीं होता कि जिसमें चैलेंजेस ना हो, और स्पेशली हमारा जैसा प्रोफेशन है वो तो सिर्फ टोटल चैलेंज का ही काम है, कोई भी बहुत इजी टास्क नहीं है, क्योंकि हर जगह पे चाहे बेशक हम हेल्थ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, चाहे बेशक हम लाइफ इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, चाहे बेशक हम मोटर इंश्योरेंस की बात कर रहे हैं, हमें क्लाइंट के साथ पूरा 1-to-1 टच रखना पड़ता है, तभी ये सब चीज़ें होती हैं। और मुझे एक एपिसोड ऐसा याद आता है जो आपकी बात को चैलेंज को प्रूव करता है, कि मैंने एक पॉलिसी मैंने न्यू इंडिया की पॉलिसी ओरिएंटल में लेके गया था, ये 2010-11 की बात है। उस टाइम पे एक ओरिएंटल का सर्कुलर इस बात को अलाउ करता था कि आप जो पॉलिसी आपकी 3-4 साल से नो क्लेम में है आप उस पॉलिसी को अपने यहाँ पे ला सकते हैं, ना केवल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की बल्कि आप प्राइवेट कंपनियों की भी पॉलिसीज लेके आ सकते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन सिर्फ ये कि नो क्लेम हिस्ट्री होनी चाहिए। तो हमने एक पॉलिसी न्यू इंडिया की पॉलिसी अपने पास ओरिएंटल में पोर्ट कर लिया, और अपने जो हमारे पास SDM सर थे हमने उनसे बात करी, सर ये सर्कुलर है इसके बेसिस पे, उन्होंने कहा हाँ कर लो कोई दिक्कत नहीं है। अब उतनी अकल नहीं थी, उतनी समझ नहीं थी कि ये सब चीज़ें लिखवानी भी होती हैं और ये बाद में कभी जरूरत पड़ेगी तो फिर कहीं काम आए, तो
जो न्यू इंडिया का एजेंट था, जो मेरे क्लाइंट का जो न्यू इंडिया का एजेंट था, वो भी बहुत अच्छा पावरफुल एजेंट था और वो न्यू इंडिया में काफी अच्छे लेवल पे काम करता था। वो मेरे क्लाइंट को बार बार ये बोलता रहा कि आप ये काम गलत कर रहे हैं, जब आपका क्लेम आएगा ना तो आपको जब पता लगेगा। तो क्लाइंट को उसने वो पिच करा तो क्लाइंट ने मेरे को इमीडिएटली फोन किया वो, लेकिन वो जब भी ना उस क्लाइंट के दिमाग में ना वो बैठ गया, वो हर एक महीने बाद दो महीने बाद मुझे फोन करके, जबकि वो पॉलिसी न्यू इंडिया में 6-7 साल से चल रही थी और कोई क्लेम फ्री हिस्ट्री थी, लेकिन वो हर एक दो साल बाद, एक दो महीने बाद ना मेरे को फोन करता था, अतुल जी वो मेरी मेडिक्लेम की जो पॉलिसी है ना उसमें कोई दिक्कत तो नहीं है कि वो यार वो मेरे को बोल रहा था। हाँ बट सेम ये रिपीट। यहाँ पे मैं आपको सीक्रेट फिल्म से लिंक करना चाहता हूँ, जो चीज़ हम बार बार सोचते हैं ना हो जाती है, समझ आ रही है? आप वो बंदा वो बार बार मेरे से ये बोले जा रहा था कि सर वो क्लेम तो नहीं आ जाएगा, मतलब क्लेम मिलेगा तो नहीं, क्लेम में तो दिक्कत नहीं आएगी, और चांस की बात है कि उसी साल में वो पॉलिसी के अंदर क्लेम आ गया स्टोन का, स्टोन का क्लेम आया। टीपीए ने इमीडिएटली उस क्लेम को, जब वो पॉलिसी की कंटिन्यूटी वगैरह दिखाया, हमने भिजवाई, तो उसने वो पॉलिसी ऑफिस में भेजी, लेकिन जिस एसडीएम ने मुझे अप्रूवल दिया था उसका रिटायरमेंट हो गया, अब दूसरा एसडीएम आ गया, और दूसरा एसडीएम ने आते ही सबसे पहले उसको बोला कि टीपीए को फोन करके बोलता है कि इस पॉलिसी का आपको अप्रूवल नहीं देना, ये कंटिन्यूटी वाली पॉलिसी नहीं है, ये तो फ्रेश पॉलिसी है क्योंकि पिछले साल ही ली गई है, इसके अंदर कोई कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी आपको। अब दक्षा टीपीए ने सीधा डिनायल लेटर भेज दिया उसको, क्लाइंट को, क्लाइंट के पास वो जो सीक्रेट चल रहा था बिल्कुल फिट हो गया है, और उसने हिंदी इंग्लिश शुरू कर दी मेरे साथ। हाँ, और कह रहा सर मैंने आपको पहले ही कहा था, आपको क्या थोड़े से 1000-2000 का कमीशन ही जो था आपका, मेरे से 5 ले लेते आप फालतू, मतलब जो भी अपने अपने से। मैं कहा शांत यार, क्या प्रॉब्लम क्या है, ये आगे इसका जो जो आपकी वो है क्लेम आना है वो 4 दिन बाद आना है, 4 दिन 25 तारीख को आपकी वो है ना, ये 21-22 तारीख की बात हो रही है। मैं कोई बात नहीं सर, मैं देखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। मैं अपने रीजनल ऑफिस में आर ओ के ऑफिस में ओरिएंटल में गया, वहाँ पर मैं अपने डेवलपमेंट ऑफिसर सर को लेके गया अपने साथ में, और हम वहाँ पे हेल्थ आरएम से मिले, और उनसे क्यों वो मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर को जानते थे तो उन्होंने उससे बात करी, तो उनको कहा, हमने कहा सर ये देखो ये सर्कुलर है, तो उन्होंने अपनी पीए से उस सर्कुलर की फाइल पूरी फाइल, मतलब सरकारी कमरे में फाइलें होती हैं और अच्छी तरीके से मिल भी जाती हैं, ये बात उस दिन मुझे पता लगी। तो उन्होंने सर्कुलर की फाइल निकलवाई, सर्कुलर वो वाला देखा, और मैंने जब अपनी फाइल की पॉलिसी दिखाई, उसने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, तुमने कोई गलत काम नहीं किया। मैं सर आप मैंने तो मुझे तो पता है मैंने गलत काम नहीं किया, बट आज ये क्लेम तो रिजेक्ट हो गया यहाँ पे। कह रहे सर कोई बात नहीं, चिंता नहीं, परसों आपकी आपके पेशेंट की परसों सर्जरी है ना, मैं अभी आपको लेटर बना के देता हूँ, इसका अभी आपको कल सवेरे इसका कैशलेस मिल जाएगा आपको। उसने इमीडिएटली उसने अपनी उस सर्कुलर का रेफरेंस बना के दिया आरएम के अंदर, आरएम ने उस पॉलिसी का नंबर डाला, ओरिएंटल की पॉलिसी का नंबर डाला, न्यू इंडिया की पॉलिसी का नंबर डाला, कंटिन्यूटी का नंबर डाला, जो आपका सर्कुलर का नंबर डाला, और वो लेटर बना के मुझे मेरे हाथ में दे दिया कि ये आप रक्षा टीपीए में पहुँचवा दो और आपका इमीडिएटली कल सवेरे ये कैशलेस हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी से सरकारी कंपनी में कोई आदमी मिल जाए ना सर, आपकी समझो लॉटरी है, प्रॉपर लॉटरी है आपकी। तो वो जब मैंने वो लेटर वहाँ पे फैक्स किया, वहाँ से मेरा कैशलेस हुआ, उस कैशलेस आया, उस कैशलेस को मैंने जानबूझ के उस एसडीएम को भेजा जिसने उसको टीपीए को मना करा था कि भाई नहीं देना ये कैशलेस करा दो, मैं आपको डीपेनल करा दूंगा। तो उसने उस टीपीए वाले को बोला कि भाई जब मैंने तुम्हें मना करा था ये आपने कैशलेस कैसे कर दिया, सर आरएम साहब ने लेटर लिख के दिया। और उसके बाद मुझे टीपीएस से कॉल आया कि आपने कितने इस इंडस्ट्री के कितने लोगों का भला करा है ना आपको नहीं पता, क्योंकि उस दिन से पहले सारे क्लेम रिजेक्ट हुए हैं, सिर्फ मेरे मैंने उस सर्कुलर को मैंने फर्स्ट टाइम चालू करवाया है। तो ये लाइफ की चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको, लेकिन आप देखना जब भी हम जो भी बातें कर रहे हैं ना, हर जगह पे आपको चैलेंज को ना फेस करना पड़ेगा, आप उसके जो आपको प्रॉब्लम आई है ना आप उसके आगे जाना पड़ेगा आपको। आपके पास आप सोचो कि यार ये तो पॉलिसी मेरी नहीं थी, मुझे क्या, वो तो मेरे रिलेटिव हैं, भैया के रिलेटिव थे, उनको नहीं पता था कि इतने सालों से मैं ये काम करता हूँ, जब उन्होंने मेरे को काम नहीं दिया तो मुझे उनके दुख में क्या लेना देना, ठीक है ना, ये सब चीज़ें तो सोच सकता है ना इंसान। और जब मेरे ख्याल से हम लोग ये जल्दी सोचते हैं, आप अपना अपना हिस्सा छोड़ दो कि आपका क्या है, आपका काम सिर्फ समाज में सेवा करना है, ये जिस दिन समझोगे ना उस दिन आपका काम वैसे ही हो जाएगा। सर वैसे ज्यादातर हमने देखा है कि जिसका जनरल का बिजनेस अच्छा होता है तो उसका लाइफ का बिजनेस डाउन होता है, और जिसका लाइफ का बिजनेस अच्छा होता है उसका जनरल का बिजनेस डाउन होता है, लेकिन आपको देखते हैं तो आपका जनरल का बिजनेस भी ऊपर है और आपका लाइफ का बिजनेस भी ऊपर है, तो इसके पीछे क्या राज है कि आपके दोनों बिजनेस ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं?
राज कुछ नहीं है सर, राज सिर्फ एक ही है कि जब जो क्लाइंट है ना उसको भगवान की नज़र से देखो और उसकी हर समस्या के लिए तैयार रहो। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जब क्लाइंट ने का फ़ोन आया और क्लाइंट को हमारी ज़रूरत थी, वो हमारे पास बिना किसी रीज़न के लिए शाउट कर रहा है, हमारी कोई गलती नहीं थी लेकिन उसने अपनी पूरी भड़ास जितनी निकालनी थी निकाल ली। लेकिन मैंने एक अपने इस पूरे कैरियर के अंदर एक चीज़ सीखी है, जब भी कोई आदमी परेशान होता है ना उससे कभी भी ना उसको उसी लैंग्वेज में बात मत करो, क्योंकि उस टाइम पे यदि उसने आपसे लाउडली बोला आप उसे डबल लाउडली बोल लो, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन क्या होगा, उस टाइम हो सकता है आपको लगे कि मेरी जीत होगी लेकिन आप उस क्लाइंट की नज़रों से हमेशा बाहर हो जाओगे। तो उसमें मैंने हमेशा ये, जब भी मेरे पास अपने मेरे क्लाइंट्स जो हैं, मेरे पास एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं, उनकी जो भी प्रॉब्लम्स हुई ना मैं हमेशा पेशेंसली सुनता हूँ। कई बार मैं उनकी जो बातें उन्होंने नहीं सुनानी मैं वो भी सुन लेता हूँ, लेकिन टाइम आने पे मैं उससे उनको वो रियलाइज़ करा देता हूँ कि यहाँ पे मेरी गलती नहीं आपने, और वो रियलाइज़ बहुत सारे मैक्सिमम बार ये होता है कि वो सामने से जब उनका काम हो जाता है तो सामने से वो सॉरी फील करता है कि हमें उस दिन आपसे ऐसा नहीं बोलना था, लेकिन उसके लिए थोड़ी सी पेशेंस की जरूरत है। तो जब मेरा क्या लाइफ इंश्योरेंस जो आपने कहा ना लाइफ इंश्योरेंस का काम अच्छा चलता है उसके साथ, क्योंकि जब मैं जनरल इंश्योरेंस का काम क्लाइंट का कर रहा हूँ ऐसा होता है कि जनरल इंश्योरेंस में ना क्लेम्स आते हैं, लाइफ में क्या होता है लाइफ में एक बार क्लेम आना है ठीक है, और वो भी जब आना है उस आदमी से आपने बात नहीं करनी जिसका क्लेम आना है, उससे तो बात करनी नहीं आपने। तो मैं सिर्फ अपने क्लाइंट से कहता हूँ सर देखो मैं आपका इस पोर्टफोलियो को मैनेज कर रहा हूँ और मेरे ख्याल से आपके हिसाब से मैं ठीक सा मैनेज कर रहा हूँ, तो वो आप मुझे दूसरा पोर्टफोलियो भी दो जो कि ज़्यादा जरूरी है। आप एक BMW का 2.5 लाख रुपये का इंश्योरेंस करा रहे हो जिसकी वैल्यू 70-80 लाख रुपए है, और आप जो BMW को क्रिएटर हैं आप अपना इंश्योरेंस कराने में पीछे रह जाते हो, करना ही नहीं चाहते। तो इस वजह से जब एक बारी क्लाइंट से 1-to-1 रिलेशन बन जाता है ना तो क्लाइंट हर तरीके से सुनता है। फिर इसका मतलब है कि आप कहना चाहते हैं कि अगर हम हेल्थ इंश्योरेंस मतलब हेल्थ इंश्योरेंस का प्रोडक्ट या जनरल इंश्योरेंस का प्रोडक्ट भी करते हैं तो उससे हमारा बिजनेस ग्रो ही होता है, मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ का बिजनेस कम होता है। देखो सर लाइफ इंश्योरेंस में ना आपको सामने से क्रिएट करना पड़ेगा कि आपको बताना पड़ेगा कि मतलब आपको पुल करना पड़ेगा, ये पुश बिजनेस नहीं है पुल बिजनेस है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी सर, ये आपका रिटायरमेंट आएगा आपका बुढ़ापा आएगा आपके साथ कोई फैमिली में कोई मिसहैप नहीं होगा। जनरल इंश्योरेंस में क्या है कि आपको सामने से उसको आपकी सर्विसेज दिख रही हैं, तो उसमें क्या है जब आपकी सर्विसेज दिखती है ना तो फिर वो आदमी लिसनिंग मोड में आ जाता है। जब आपने उसको 4 बारी कंफर्ट दिया होता है ना तो वो आपकी थोड़ी बहुत बात मान लेता है, ये फर्क है बस उसमें। क्या कैंसर पेशेंट को भी कोई पॉलिसी दी जा सकती है सर, किसी इंडस्ट्री में किसी कंपनी के पास कोई अवेलेबिलिटी ऐसी है क्या? कैंसर स्टेज 1 की पॉलिसीज कुछ कंपनीज में आई है जो स्टेज 1 पे है, लेकिन उसमें देखो सर मेरा मानना ये है कि मैं इस चीज़ को प्रमोट नहीं करता। मैं ये कहता हूँ कि प्रॉब्लम आने के बाद ना कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं, और जब कॉम्प्लिकेशंस बढ़ती हैं ना तो फिर आपको वो स्टेज 1, 2 और 3 कब हो जाती है यू डोंट नो, क्योंकि कैंसर जो बढ़ रहा है ना वो इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है कि आज कहते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 4th-5th पेशेंट हमारा इंडिया से होगा, ये स्ट्रेटेजिक्स बता रही हैं। तो इससे बेटर ये है कि जब आदमी को बिल्कुल हेल्दी एंड वेल्दी है जब भी उसके लिए कुछ ना कुछ कर लिया जाए ना, प्लान कर दिया जाए उसको, बजाय उसको कि फर्स्ट स्टेज पे सेकंड स्टेज पे ला करके उसको पॉलिसी दें फिर उसमें कंप्लायंसेस में फंसे उसको, मतलब मेरे को ये थोड़ा सा कम अच्छा लगता है। सर क्या आपको लगता है कि मतलब हमें जो हमें हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे हैं उसके साथ साथ एडिशनल में PA और क्रिटिकल पॉलिसीज ले लेनी चाहिए? सर बिल्कुल लेनी चाहिए, 100% लेनी चाहिए। पर्सनल एक्सीडेंटल आज के दिन पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी के साथ साथ आपके पास कैश बेनिफिट पॉलिसीज भी हैं, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट नहीं, उसके बाद यदि आप मान लिया इनकेस जितने दिन हॉस्पिटल में रहते हैं तो वो तो मिलता ही मिलता है। आपका PA पॉलिसी आपको 104 हफ्ते तक आपको वीकली कंपनसेशन देता है, वीकली कंपनसेशन देता है। तो ऐसे पॉलिसीज हैं, और इस आजकल कुछ कंपनीज में जनरल इंश्योरेंस कंपनीज में कुछ ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं फ्यूचर प्रोटेक्शन प्लान कि इनकेस ड्यू टू एक्सीडेंट इफ ए पर्सन इज नॉट देयर तो 20 ईयर्स तक एक सर्टेन अमाउंट आपके घर पर पहुँचता रहेगा 20 ईयर्स तक, और प्रीमियम भी उसका कोई बहुत ज्यादा 14-15-16 हज़ार रुपये का प्रीमियम सिर्फ। अच्छा, और व्हाट अबाउट द क्रिटिकल पॉलिसीज, क्रिटिकल केयर कुछ? क्रिटिकल केयर में क्रिटिकल केयर बहुत सारी कंपनीज के पास क्रिटिकल केयर पॉलिसीज हैं, उसके अंदर आपका कैंसर कवर करते हैं, वो लीवर कवर करते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट हार्ट, ये बहुत सारी पॉलिसीज हैं जो अलग अलग कंपनी की अलग अलग फीचर्स के साथ और अलग अलग प्रीमियम के साथ हैं। बट मेरा ना पूरे हाउस से सिर्फ इतना सा कहने का है कि आप सेल कुछ भी कर लो लेकिन जनरल इंश्योरेंस में जो भी आप सेल कर रहे हो ना सर आप उसको प्रॉपर पढ़ के करो, बिना पढ़े कुछ मत करो, क्योंकि आप जो चीज़ आप सेल कर रहे हो ना आपको पता होना चाहिए कि वो आप क्या चीज़ बता के आ रहे हो। गॉड फॉरबिड कभी उसको कभी किसी पेशेंट कभी किसी क्लाइंट को जरूरत पड़ेगी ना तो उस टाइम पे आपको ये ना पता लगे यार ये मैंने कोमा यहाँ पे देख लिया था या यहाँ पे देख लिया था,
आपको कोमा पता होना चाहिए कहाँ लगाया और फुल स्टॉप कहाँ लगाओ, ये उस पूरी पॉलिसीज की पता होगी ना, तब आप अपनी लाइफ में आगे चल पाएंगे प्रॉपर तरीके से। सर एक पेशेंट के पास, मतलब एक नॉर्मल इंसान के पास दो पॉलिसीज हैं, एक हेल्थ इंश्योरेंस की और एक क्रिटिकल केयर की। चार साल से पाँच साल से पॉलिसी उसकी चल रही है और उसे कोई क्रिटिकल मतलब किडनी या लीवर से रिलेटेड डिजीज हो जाती है, तो उसे क्या दोनों पॉलिसीज का पैरेलल क्लेम मिलेगा या एक ही का मिलेगा? देखो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी सर उसको हेल्थ को ठीक करने के लिए काम करेगी, और क्रिटिकल पॉलिसी जब आप क्रिटिकल कैटेगरी में आ जाएंगे तो उसका जो समस्या और उसके साथ फिक्स है वो उनको कैश बेनिफिट देता है। तो दोनों मतलब दोनों का बेनिफिट मिलेगा, दोनों का बेनिफिट कि हमें उसका भी मिल जाएगा और उसका भी मिल जाएगा। वो बेसिकली सर क्रिटिकल इलनेस जो पॉलिसी है ना वो मेडिक्लेम पॉलिसी नहीं है, वो कैश बेनिफिट पॉलिसी है कि भाई इनकम प्रोटेक्शन प्लान समझ लीजिए आप, समझ उस तरीके से। LIC ने एक कैंसर प्लान भी निकाला, अभी कैंसर के बारे में आप डिस्कस कर रहे थे, तो उस कैंसर पॉलिसी के बारे में आपको आप कुछ जानकारी दे तो अच्छा। कैंसर केयर का जो अभी रिसेंटली प्रोडक्ट जो हमारे पास आया है कैंसर केयर का, ये एक प्रोडक्ट बहुत अच्छा आया है कि भाई आपको यदि छः महीने तक आपका यदि आपने पॉलिसी ले ली और छः महीने तक आपको कोई भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, छः महीने के बाद आपका स्टेज वन भी आपको पता लगेगा, तो आपका प्रीमियम 3 साल के लिए डेफर्ड हो जाएगा, 3 साल के लिए बंद हो जाएगा, कुछ 20-25% समस्या 25-25% समस्या आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, और 3 साल के बाद यदि आपकी हेल्थ ठीक हो जाती है तो ठीक है, यदि वो 3 या 4 में कन्वर्ट हो जाता है कैंसर तो वो प्रीमियम हमेशा के लिए वेव हो जाएगा, उसके उसका पूरा 100% उसको दे दिया जाएगा और उस पर कुछ मंथली बेनिफिट्स शुरू हो जाता है, 1% ऑफ द सम एश्योर्ड के हिसाब से आपको आगे मिलता रहेगा। तो ये फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स जीवन आरोग्य के बारे में जो मुझे पता लगा है वो उसमें ये बताया गया है कि जीव आपकी अगर मेडिक्लेम भी है और जीवन आरोग्य भी है तो मेडिक्लेम का तो आपको वहाँ से क्लेम मिल जाएगा और उसकी फोटोकॉपीज अटैच करवा कर अगर LIC को देते हैं तो उसके जो डिफाइंड बेनिफिट हैं वो LIC भी देगी, ऐसा जो है बिचारे कम टू नो। फिर सर वो बेनिफिट होगी जैसे इन्होंने बताया था ना, इंडेपेंडेंट पॉलिसी और वो दो बेनिफिट पॉलिसी होगी ना सर। अतुल जी मेरा एक सवाल है, हाँ जी सर, कि जैसे यहाँ पे अपने आप 100 लोग वैसे बैठे हैं, हाँ कोई अपोलो से है, कोई स्टाइल से है, कोई रैली से होगा, तो आप जैसे पॉलिसी बेचने जाते हो, क्लाइंट के पास जाते हो, कोई 10-12 ऐसे पॉइंट बताओ जो मैंने कॉमन पॉइंट्स हो जो हम क्लाइंट को बोले तो पॉलिसी जल्दी हमारी बेच पाए हेल्थ इंश्योरेंस की। हाँ जब मैं किसी क्लाइंट पे किसी के रेफरेंस से जाता हूँ तो वो सामने से उनसे पूछता हूँ सर हेल्थ इंश्योरेंस है, वो कहेगा नहीं है, तो फिर वो फिर मैं उस उतने स्ट्रॉन्ग रेफरेंस से गया हुआ होता हूँ कि जो मैं बोलता हूँ वो सही है उसके लिए, ठीक है ना। तो मैंने कोई सच कोई ऐसा अब पिछले 10-5 सालों बस मैं मेरा जो पोर्टफोलियो थोड़ा सा बढ़ा ना, सिर्फ उसमें वन और वन सिंगल मोटिव प्रोग्राम था कि मैंने सर्विसेज पे फोकस किया। क्लाइंट जब हॉस्पिटल में रहा, क्लाइंट हॉस्पिटल में जाता है और जब तक डिस्चार्ज नहीं होता मेरी टीम उसके पीछे लगी रहती है, उसकी फैमिली के लिए, उसको लगता है कि एक कोई ना कोई एक बंदा ऐसा है जो हमारे साथ है आज हमारी तकलीफ में, उनको उतना कम्फर्ट हम देते हैं, इतना कम्फर्ट हम देते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम मतलब उसको फिर वो वाव फीलिंग आती है, और जब वाव फीलिंग आती है तो सामने से काम आता है। अतुल भाई मुझे चीज़ पता करनी थी कि हर पॉलिसी में कुछ डिडक्शन होती है, हर पॉलिसी में डिडक्शन जो होती है उसको कैसे महंगी पार्टी पूछती है, मैंने बिल आया मेरा 1,00,000 रुपये का, कंपनी दिया 90,000 रुपये या 95,000 रुपये, वो एक्सप्लेन करने में बड़ा दिक्कत होती है सर, उसको कैसे ओवरराइड किया जाए। हाँ सर मैंने आपको एक बहुत अभी 2 मिनट पहले तो एक बात बोली थी, जो भी हम काम कर रहे हैं ना सर, जो भी हम काम कर रहे हैं पहले हम चेक करें ना सर कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों डिडक्शन है। आपका एक बार क्लेम में डिडक्शन हुई, आपने उसका पीछे जानने की कोशिश करी कि ये आप कौन सी कंपनी की बात कर रहे हैं मुझे नहीं मालूम, राइट, लेकिन आप जिस कंपनी से काम कर रहे हैं आपको तो मालूम है, आप वहां पे जिस ऑफिस में आपने उस बिजनेस को अंडरराइट कराया आपने क्या झूठ समझी कि आप उसमें जाके एक बार पूछें, वहां पे SDM होगा, ब्रांच मैनेजर होगा, कोई तो होता होगा ना, उससे पूछो सर ये 90,000 रुपये क्यों आए हैं, आपको पता करना पड़ेगा ना हर, अभी हम बात कर रहे हैं एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे, हमें नहीं पता आपने कौन सी कंपनी की पॉलिसी बेची है, ठीक है ना, लेकिन आपको देखो सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम एक चीज के मैं बता रहा हूँ ना, न्यू इंडिया की पॉलिसी के लिए मैं RM के पास गया, यदि मैं वहां पे भी अपने आप को छोड़ देता तो वो क्लाइंट क्या आज मेरे पास होता, आज अच्छा जब उसको कैशलेस हो गया उस क्लाइंट का इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा मेरे ऊपर, ठीक है, क्योंकि उसको हैम्पर पीछे से आ रहा था, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, ये चल रहा था उसका हैम्पर पूरा पीछे से, लेकिन जब हमने पीछे एफर्ट्स करे, आपके पास जो भी आपकी क्वेरी है ना सर, आपकी जो भी क्वेरी है ना सर, आप अपने वहां पे जाकर बात करो ना, जिस ऑफिसर ने आप बताओ सर 90,000 में, आपका कोई आदमी यदि नहीं सुन रहा ना आप सीधा रजिस्टर्ड बोर्ड से लेटर भेजो उसको सर। हाँ मेरा सवाल जो क्लेम्स जैसे हमारे कुछ आते हैं जिनमें प्री ईयर की पॉलिसी की जरूरत पड़ती है,
तो आप अपने पास डाटा क्लाइंट की हर साल की पॉलिसी अपने पास रिकॉर्ड्स में रखते हैं या क्लाइंट के पास रहने देते हैं? सर मेरे पास पैरेलल रिकॉर्ड होता है, मेरे पास एक मैंने सारा रिकॉर्ड अपने पास सॉफ्ट में रख रखा है, सारा रिकॉर्ड मैंने अपने पास हार्ड में रख रखा है जी। मेरे पास दोनों चीजें हैं। और अभी एक चीज अभी पिछले दिनों मेरी बिल्डिंग में, जिस बिल्डिंग में मेरा ऑफिस है, उस बिल्डिंग में आग लगी एक डेढ़ महीने पहले, सिर्फ बता रहा हूँ मैं। और वो मेरा ऑफिस फोर्थ फ्लोर पे है, सिक्स फ्लोर पे आग लगी और इतनी जबरदस्त आग थी कि मतलब लग रहा था कि जो सिक्स फ्लोर के दो तीन चार ऑफिस तो वहाँ पे बराबर हो गए थे। तो उस दिन मेरे दिमाग में एक और चीज़ आई कि भाई इन्वेंचुअली किसी के साथ भी हो सकती है, कि कह के नहीं आएगी। उसी दिन मैंने इमीडिएटली अपने अपने कंप्यूटर वाले बंदे को बुलाया और उसको बोला कि एक 2 TB की एक हार्ड डिस्क लेके आ और उसकी ड्यूटी लगाई। और मैंने ये भी कहा कि मेरा स्टाफ इसमें कोई इन्वॉल्व नहीं रखेगा, तुझे हर 15वें दिन आकर के इसका बैकअप लेकर के मेरे घर से हार्ड डिस्क मिलेगी, घर पे छोड़ के आनी है। क्योंकि आपके पास 15 दिन पहले तक का बैकअप होगा तो आप संभल जाओगे। यदि आपके पास यदि आपका हार्ड भी चला गया और सॉफ्ट भी चला गया फिर तो आप भी उठ चलेंगे। तो सर आप जैसे आपके पास पॉलिसी 5 साल से चल रही है, 4 साल से चल रही है क्लाइंट की, तो 4 ईयर की पॉलिसी कंप्लीट आप अपने पास अवेलेबल रखते हैं? मेरे पास 7-8 साल की भी होंगी जी। मेरे पास सारे, और वो सॉफ्ट में भी होती है, हार्ड में भी होती है। जब ये सेशन शुरू हुआ था आज, सब लोगों ने दिल से बात करी है। मैं आपको जब भी मैं अपनी स्पीच देता हूँ, मैं लास्ट में अपने 2 वर्ड्स जरूर बोलता हूँ कि जो भी मैंने इस अभी 1 घंटे की कन्वर्सेशन में जो भी हमारी बात हुई है वो सारी मैंने अपने दिल से करी है। और सारी की सारी जो मैंने अपने लाइफ में किया है, मैंने अपने 20-22 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किया है। इसमें से जो चीज़ आपको अच्छी लगे वो आपके लिए थी, जो चीज़ आपको लगे कि ये यार ये लगता है कि ये ठीक नहीं बोला या कुछ गलत है, कोई नेगेटिव चीज़ आपको मेरी बातों में से लगे तो प्लीज़ इसको यहीं पे छोड़ के जाइए, वो मेरी थी, मुझे वापस दे दीजिएगा। मैं आज ये 1 घंटे में यदि किसी इस 100-150 लोगों की हॉल में यदि किसी एक आदमी के भी काम आ पाया आज मेरा 1 घंटा, तो मैं समझूंगा मेरा आज का आना सार्थक हो गया। थैंक यू सो मच। किन किन लोगों का महत्वपूर्ण योगदान रहा आपके यहाँ तक पहुँचने के? थैंक यू। सबसे पहले मैं परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि मैंने शायद पहले भी अपनी स्पीचेस में बताया कि मैं सुबेरे, मेरा डेली का रूटीन है, मैं सुबेरे मंदिर जाने के बाद ही खाना खाता हूँ, तो भगवान का मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद मैं अपने पेरेंट्स का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उनकी उनकी बदौलत मेरे मुझे सब कुछ अच्छे से अच्छे संस्कार मिले और अच्छा सब कुछ है। मेरी फैमिली का, मेरी वाइफ का और मेरे सभी क्लाइंट्स का, मेरे गुरु जन आईओई के, मेरे जो आईओई के प्रथम गुरु हैं अमित कोठारी सर का, मुकेश भैया का, दीपक भाई साहब का, और सारे मेरे क्लाइंट्स, मेरे स्टाफ, और ये जो 12 लोग हम लोगों ने FPRT का परिवार बनाया, इस लोगों का स्पेशल तहे दिल से धन्यवाद, क्योंकि ये पूरे के पूरे 12 के 12 लोग वो लोग हैं जो हमेशा मेरे लिए तैयार हैं। जब मैं कभी किसी भी जगह पे मुझे फाइनेंशियल अंडरराइटिंग में कोई प्रॉब्लम आई है, मैंने पंकज भैया को फ़ोन करा तो मिनट में सोल्यूशन, 1 मिनट के अंदर सोल्यूशन मिला है। रोचक पूरी की क्लासेस में जितना गेन मैंने गया, शायद FPRT के किसी मेंबर ने भी उतना गेन नहीं करा हुआ जितना रोचक पूरी की क्लासेस से मैंने सीखा है। हाँ, तो मैं मतलब, और बाकी अजय त्यागी, जब भी मैं क्लेम में कहीं फंसता हूँ तो अजय त्यागी भैया से बात करता हूँ। डैंग भैया कभी भी मुझे हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है, राजेश जी भैया हमेशा तैयार है। तो ये FPRT टीम है और ये आप लोग सब परिवार का पूरा पूरा बहुत बहुत धन्यवाद आज तक मुझे यहाँ पे पहुँचाने। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए।